बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिट्रॉन आज दोपहर 12 बजे से पहले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकराएगा। तूफान का असर ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी में रहेगा। इन राज्यों में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो तैनात की गई हैं। तो वही तूफान ने आने से पहले तबाही का दौर भी दिखाना अपना शुरू कर दिया है। चेन्नई में भारी बारिश इस वक्त हो रही है। तूफान की वजह से रेलवे ने तटीय इलाकों से गुजरने वाली 144 ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया है। चेन्नई एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब तक तबाही ने 5 लोगों की जान ले ली है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं उनकी तैनाती की गई है। कई टीम्स को स्टैंड बाय रखा गया है। चेन्नई एयरपोर्ट से फ्लाइट का संचालन भी बंद कर दिया गया है। 144 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है, चाहे वो रनवे हो, एयरपोर्ट का परिसर हो, यहाँ पर भी पानी घुस चुका है और तालाब में तब्दील होता हुआ ये रनवे भी नजर आ रहा है। आपके सामने 3 तस्वीरें, सड़कें पानी में डूब गई हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तमाम जो वाहन यहां पर खड़े हुए हैं, कार्स यहां पर खड़ी हुई हैं, वो भी पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। 3 तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। रेलवे विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि 44 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। देखिए, इस समय यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही साथ जो तटीय इलाकों में लोग रह रहे हैं उनके लिए जान जोखिम में डालने वाली बात है। इसी वजह से उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार आईएमजी ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में रेड अलर्ट जारी किया है। ओडिशा में भी आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। तो 4 राज्यों में ये हाई अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया गया है। तमाम टीम्स को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मदद करवा रही है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम। लोगों का रेस्क्यू करने के लिए भी यहां पर कोशिशें की जा रही हैं और उनको ये सलाह दी जा रही है कि सुरक्षित स्थानों तक पहुंचे, एहतियात कदम है वो उठाते रहे। 4 राज्यों में आईएमडी ने अपना अलर्ट जारी कर दिया है और ये मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि जो 4 राज्य हैं यहां पर भारी बारिश होगी और 120 की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो ऐसे में अपना खूब ध्यान रखने की यहां पर जरूरत है।